नमस्कार, मैं घमासान.com से नीरज कुमार राठौर। आज मेरे साथ में विशेष चर्चा में उपस्थित हैं आर्मी के कैप्टन, इंडियन आर्मी कैप्टन बीजे सिंह सर। सिंह साहब, आज जैसा कि पूरा देश देख रहा है कि इंडियन आर्मी ने आज पाकिस्तान के जो आतंकी जो ठिकाने हैं पीओके में, वहां पर सुबह 3 बजे से कार्रवाई, एयर स्ट्राइक जो है वह चालू हो चुकी है जी। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए जी, ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए था। हमको इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई हम पर हमला करे तो फिर हम उसका जवाब दें। और आज की तारीख में देखिए, युद्ध कौशल ये समझना जरूरी है कि आज 1-to-1 युद्ध नहीं होने वाला है। स्पेशली वो राष्ट्र जो अपने सैनिकों की इज्जत करते हैं, उनकी जिंदगी की खैर मनाना चाहते हैं और उनकी जिंदगी को कायम रखना चाहते हैं, वो शायद 1-to-1 युद्ध नहीं करेंगे, बिकॉज उसमें जान माल के नुकसान होगा जी। अभी अगर एनिमी को ओवरपावर करना है और उनकी जगह को डोमिनेट करना है, तो आज की तारीख में आपके पास 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट तरीका है कि आप एयर फायर पावर से डोमिनेट करें, क्योंकि वहां पर आपके जहाज गए, उनकी अच्छी स्पीड है, उनकी अच्छी एक्यूरेसी है, और जब वो फायर करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत जबरदस्त पड़ता है जी। मेरा बताया जा रहा है जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अल्टीमेटली हमने इस तरह से जवाब दिया। और देखिए, ये स्ट्रेटेजिक भी बहुत था। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि इंटरनल जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं वो कहती हैं कि जिस तारीख को पुलवामा में ये अटैक हुआ, उसके देखिए किसी भी फौज के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक होता है कि ये इस प्रकार के डिसीजन लिए जाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बताती हैं कि जिस तारीख को पुलवामा में ये आतंकवादी अटैक हुआ, उसके 5 दिन पहले पाकिस्तान की फोर्सेस को मोबिलाइज कर दिया गया था। मोबिलाइज का मतलब होता है अपनी पी स्टेशन से जो फॉरवर्ड एरियाज हैं वहां जाने का मोबिलाइजेशन कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान को कम से कम 5 दिन चाहिए मोबिलाइजेशन करने के लिए। तो आप उनका इरादा इससे समझ सकते हैं कि जिस चीज को उनके प्रधानमंत्री मना कर रहे हैं कि नहीं हमने नहीं किया, वहीं पे उनकी फौज 5 दिन पहले मोबिलाइज हो चुकी है और अपने फॉरवर्ड पोजीशंस पर पहुंच चुकी है। और वो क्योंकि वो जानते हैं कि इस अटैक के बाद जरूर कोई ना कोई जवाब वाली कार्रवाई होगी हिंदुस्तान से, इसलिए वो ऑलरेडी फॉरवर्ड पोजीशंस पर बैठे हैं। हमको भी जो इतने समय लगा प्लान करने में, वो इसीलिए लगा बिकॉज हमें मालूम है कि अगर हम कोई भी एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन होने वाला है। अब देखने वाली बात यह है कि इस ये जो एयर स्ट्राइक किया है, इसका क्या परिणाम होने वाला है और पाकिस्तान क्या करेगा। जैसा कि एयर स्ट्राइक अभी ऑनलाइन चल ही रहा है अभी जी, क्या ये थल सेना से भी कोई कार्रवाई होगी? देखिए, टेक्निकली तो तीनों फोर्सेस इकट्ठी होकर काम करती हैं यहाँ पर, क्योंकि समुद्र नहीं है इसलिए समुद्री सेवा नहीं होगी। बट अदरवाइज जो फौज, जो जिसे हम कहते हैं ग्राउंड फोर्सेस, उसका तालमेल हमेशा एयर के साथ रहता है कि अगर हवाई जहाज से कोई हमला होना है तो उसको फॉलो अप करने के लिए अपनी फोर्सेस तैयार होती हैं। अब वो हम कहाँ तक करते हैं वो एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, वो हमारे देश वाले डिसाइड करेंगे, स्ट्रैटेजी टीम डिसाइड करेंगी। कल परसों ही तीनों चीफ की एक मुलाकात भी हुई थी जिसमें तीनों चीफ इकट्ठे हुए। आई एम श्योर ये उसका नतीजा है, उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी प्लान की है कि हम किस तरह से करेंगे। तो पहला कार्रवाई, अगर आप ऐसे युद्ध देखें तो आपने देखा होगा अमेरिका अक्सर अपने सारे युद्ध एयर पावर से शुरू करता है जैसे कि मिडिल ईस्ट में, अफगानिस्तान में जितना हुआ, उन सब ने पहले एयर स्ट्राइक करके टारगेट को कमजोर किया, सॉफ्टन किया, उसके बाद अपनी ग्राउंड फोर्सेस को भेजा उसको टेक ओवर करने के लिए। अब ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होगा हमारे लिए, हमारे देश की व्यवस्था के लिए, हमारे देश की सोच के लिए, हमारे देश की स्ट्रैटेजी के लिए कि क्या हम सॉफ्टन करने के बाद ग्राउंड फोर्सेस को भेज के टेक ओवर करेंगे। Now that is going to be a very important decision. जी जी, अभी इसमें अभी किसी भी तरह की कोई पॉलिटिकल जो है प्रतिक्रिया नहीं है ये, ना तो किसी सत्तारूढ़ पार्टी के किसी नेता ने कोई बयान दिया है, ना विपक्ष ने बयान दिया है। ऐसा लग रहा है कि पूरा इंडिया इस समय पॉलिटिकली एकजुट हो गया है इंडियन आर्मी के सपोर्ट में, तो ये क्या एक अच्छा संकेत है? अरे भाई साहब, अब भी होंगे तो कब होंगे?
अगर पूरा देश इस समय इकट्ठा नहीं हुआ तो इस देश को इकट्ठा होने के लिए मुझे लगता है मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये अच्छी चीज है अगर सारे पॉलिटिकल पार्टीज अपने आपसी मतभेद भुलाकर देश की सुरक्षा, देश की इज्जत, देश को आगे ले जाने की अगर सोचते हैं, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। आपको क्या लग रहा है ये जो हमला हुआ तो इससे क्या युद्ध भी हो सकता है, और ये हमला हुआ तो कितने दिनों तक और ये चलेगा इस टाइप से जो गर्माहट है सीमा पर? देखिए टेक्निकली तो हम युद्ध अफोर्ड नहीं कर सकते जी, ना तो पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है ना हम अफोर्ड कर सकते हैं। और आप ये मान के चलिए जब बंदर के हाथ में उस तरह दे देते हैं तो वो किसी को भी कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज की तारीख में पाकिस्तान के पास केवल एक ही हथियार है जिसके बल पर वो बहुत उछलते हैं और वो है परमाणु हथियार। अगर हम परमाणु हथियार की तरफ जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि इसके परिणाम बहुत ही दूरगामी और खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए हमको भी उतना ही बल दिखाने की जरूरत है जिससे जो प्रॉब्लम सॉल्व है वो हो जाए। हम उस हिस्से को ठीक करना चाहते हैं ना कि पूरी सिस्टम को खत्म कर देना चाहते हैं। आई थिंक वो अप्रोच होना जरूरी है कि जो एरिया हमको तकलीफ दे रहा है, जहां से कैंप्स लगे हुए हैं, खाली उनको ही डिस्ट्रॉय किया जाए, पूरे देश के खिलाफ अपना ये फ्रंट नहीं खोलना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि उसके पास तो और कुछ है नहीं प्रोटेक्ट करने के लिए। वो अगर परमाणु पे आएगा तो आप मान के चलिए ना ही केवल उनका नुकसान होगा, हमारे देश का नुकसान होगा और देश के अलावा पूरी दुनिया का नुकसान होने वाला है। बिकॉज उसका जो एक्सप्लोजन के बाद जो उसकी फॉलोआउट होने वाला है वो केवल हमारे देश में सीमित नहीं होने वाला है। डेफिनेटली दैट्स गोइंग टू बी ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इट्स गोइंग टू हैव वेरी वेरी लॉन्ग एंड डिफिकल्ट सिचुएशंस फॉर द कंट्री एंड द वर्ल्ड। तो मुझे लगता है वो कोई नहीं करेगा, वो केवल डेटरेंट के रूप में ही होना चाहिए और हमको भी उतना ही कार्रवाई करनी चाहिए जिससे जो हमारा प्रॉब्लम जिसके कारण हमको दिक्कत आ रही है केवल वो सॉल्व हो जाए। तो आप थे इंडियन आर्मी के कैप्टन बीजे सिंह साहब जिन्होंने आज के आतंकी ठिकानों के हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नीरज कुमार राठौर, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट घमासान.com, कैमरामैन तनिष राठौर के साथ, मेनी थैंक्स जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.